अर्चना जी, 70s की या 80s की फिल्में कितनी लंबी होती थी, 3-3 घंटे की, और बड़ा मजा भी आता था देख के, पता भी नहीं चलता था 3 घंटे कब निकल गए। और अगर एक फिल्म में मल्टी स्टार कास्ट है तो वो तो मतलब क्या ही कहने, फिर लोग तो पोस्टर देख के आते थे, पोस्टर में हीरो हीरोइन की फोटो देख के फिल्म देखने में रश पड़ता था वहां पे। लेकिन माहौल ही बदल गया आजकल, और ये ही वो दौर था जब हीरो एक ही फिल्म में माँ का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेता था, क्योंकि परिवार बड़े होते थे ना, बाप परिवार बढ़ाता रहता था, बेटा बदला लेता रहता था। आजकल परिवार हो गए छोटे, तो बदला भी एक आध फिल्म में, 1.5-2 घंटे की फिल्म, बात खत्म। आप मिथुन दा की फिल्में देख लो, उन्होंने इतनी फिल्में नहीं की जितने बदले लिए मतलब। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उस दौर की हीरोइंस को जिन्होंने मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्मों में भी काम करके अपनी पहचान और अपना करिश्मा जो है वो कायम रखा। गलियां और चौबारे से लेके सागर की लहरों तक अपने डांस की धूम मचाई। ये इतनी सोनी है कि इनसे पूरी जनरेशन को प्रेम रोग हो गया था। बाकी मेरा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा लेट 70s और 80s की दो सुपरस्टार्स को। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग पूनम ढिल्लो जी और पद्मिनी कोल्हापुरी जी। कपिल जी, कपिल जी, जी मैम, मतलब चश्मा लग गया क्या? आप इतने दुबले हो गए? क्या बात है? पर आज तो मैं कहता हूँ सोनी टीवी, बल्क में औरतों का हमला हुआ है आज हमारे शो पे। पद्मिनी जी, पूनम जी, अर्चना जी भी क्या बात है मैम। थैंक यू मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। बड़ा मजा आ रहा है आपको देख के आज, और बड़ी मजेदार बातें होने वाली मुझे पता है, और आप दोनों बड़ी प्रिटी लग रही हैं। थैंक यू। आइए मैम प्लीज विराजमान हो जाइए। ओह पता, जब आप आ रही थी तो हमारी टीम के लोग आपस में बातें कर रहे थे, बोलते हैं कि ये पूनम जी और पद्मिनी जी ऐसी हीरोइंस हैं कि जिनके बारे में ये अभी साइन भी नहीं हुई होती थी, प्रोड्यूसर वैसे झूठ बोल के ना हीरो को कि हमारी फिल्म में पद्मिनी जी हैं और पूनम ढिल्लो हैं, उनको साइन करवा लेते थे। वाह यार, बात बात हो तो ऐसी हो। अच्छा आपकी दोस्ती तो कब से है कि आज से ही? जब आज ही हुई, कपिल शर्मा के शो पे ही हम दोस्त बने हैं। कि टैक्सी का भाड़ा शेयर करके चलते हैं, हैं? नहीं, आप सुपरस्टार हैं, अपनी अपनी टैक्सी में, अब अपनी टैक्सी में कह रहे हो आप, अपनी अपनी कार में ही। लेकिन क्या है, हमारे आदमी तो अपने बड़ों से सीखता है ना, तो हमारी अर्चना जी कभी कभी ऐसा करती है। क्या करती हूं मैं? ये ऑटो में आती है ना तो उसको आधा भाड़ा देती है। क्यों? बोलती तू भी तो साथ में आया। वो बोलता है ठीक है मैडम, मैंने तो ऑटो चलाया भी है। कोई बात नहीं, जाते हुए मैं चला लूंगी। पर जोक सपाट मैम, ऐसे कहा जाता है हमेशा ही हमारी इंडस्ट्री में कि यार हीरोइंस की कभी दोस्ती नहीं होती, लेकिन आपकी दोस्ती को देख के लगता है कि वो बिल्कुल अफवाहें हैं। तो आपकी कब से है मैम दोस्ती और कैसे हुई आपकी दोस्ती? अक्सर एक्चुअली हमें भी ये पूछा जाता था, हीरोइंस कैसे दोस्त हो सकती हैं? सिर्फ क्यों नहीं हो सकती भाई, कोई मतलब वहां पे हम लोग रेसलिंग के लिए तो आते नहीं है, आपस में काम करते हैं, और कोई किसी के साथ मतलब अच्छी ट्यूनिंग हो जाए तो दोस्ती हो जाती है। अगर ये हीरो होता ना तो मेरा नाम पता नहीं क्या होता। थैंक गॉड ये लड़की है जिसके साथ मेरी दोस्ती हुई, नहीं तो हीरोज के साथ तो यू नो क्या होता है ना। हीरोज के साथ नहीं हो ही ऐसा सकती। है आजकल कुछ कह नहीं सकते, हम दोनों को एक साथ देखकर लोग कुछ भी कह सकते हैं। सही बात है, आज के जमाने में तो हर चीज पे बुरी नजर है। मैम एक बात पूछनी थी आपसे, जब 1977 में आपके सर पे मिस इंडिया का ताज रखा गया, तब आपके दिमाग में ख्याल आया था कि 1981 में एक लड़का पैदा होगा जो आपको अपने शो पे इनवाइट करेगा? देखिए मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे लगता है आपके पेरेंट्स को भी इस वक्त आइडिया नहीं था कि कपिल शर्मा वहाँ टपकने वाले 81 में। आपकी बातों से वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आप बोल रही हैं, कभी कभी ना हम लोग खुद ही एक बार में देख के किसी को ऐसा जज कर लेते कि अच्छा ये ऐसा होगा, लेकिन अंदर से करेक्टर कुछ और ही निकलता है कि यार बाद में जब बात करते हैं तो फिर दोस्ती भी हो जाती है। हमारी तो बड़ी हुई है, जैसे हमें पहले पहले अर्चना से बड़ा डर लगता था, अब खुल गए हम, अब तो हमारी दोस्ती भी है, हमारी दोस्त भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, सारा कुछ ही है। मतलब छोटी बहन बोल,
छोटी बहन भी हाँ। चल बहन तो बोला, भाई नहीं बोला, शुक्र है। आ, नहीं तो, आ, बस खाली कभी कभी हाथापाई कर देती है, वो नहीं अच्छी लगती। ये बाजू भी मरोड़ देती है पूनम जी। हाँ आपका नाजुक सी कलाई मरोड़ी, नाजुक परमीज सेठी का मरोड़ देती है। अरे वुमन पावर यार। पर वैसे मैं मतलब इतना खुश था सोच के कि आज आप हमारे शो पे आ रहे हैं। जैसे मैं अगर पूनम जी की बात करूं तो इन्होंने पहली फिल्म त्रिशूल में बच्चन साहब, फिर शशि कपूर साहब, फिर संजीव कुमार साहब, मतलब तीनों ही धुरंधर अपने टाइम के और ऐसे कमाल के एक्टर, बच्चन साहब स्टाइल और पूनम जी। मेरा लाइफ का पहला शॉट उनके साथ था। तो मैम आप उस समय नई नई आई थी, तो आप उस समय नर्वस थी वैसे? देखियो नर्वस आप तब होते हो जब आपको पता हो कि ये क्या हो, क्या रहा है सामने। हाँ। मैं तो बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं था क्या हो रहा है। बोला अच्छा। इधर खड़े हो जाओ, मैं इनका खड़ी हो गई। अच्छा एक चाटा मारा शशि कपूर ने, तो मतलब ऐसा रिएक्शन दिया। अमिताभ बच्चन ने उठाया गोद में, मतलब मैं उनको तो पता ही नहीं कि लड़की पहली बार शॉट दे रही है लाइफ में। एक्चुअली इसको भी पता नहीं था कौन उठा रहा है। अच्छा पता भी नहीं कौन है सामने। जब बच्चन साहब ने उठाया होगा ऊपर तो हवा भी बड़ी आती होगी, इतने लंबे बच्चन साहब। तो आई थिंक आई वाज टू आई वुड से अनइन्फॉर्म्ड कि मैं नर्वस भी हूँ। अब मैं जब सोचती हूँ कि अगर ये तीन भारती मेरे सामने आज खड़े हो और मुझे एक्टिंग करनी पड़े, मैं अभी भी नर्वस हो जाऊँ। सच बात है। स्वीट मैम, पर आपने जैसे भी आपने कहा कि मुझे उस समय कुछ नहीं पता था, लेकिन वो फिल्में देखो तो इतना प्यारी लग रही है और इतना खूबसूरत काम किया है। बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको, आप सबकी अचीवमेंट्स के लिए। मैं भी एक्चुअली टेक्निकली बेबी पूनम नहीं थी, ये तो टेक्निकली बेबी पद्मिनी थी। अच्छा ये बड़ा फर्क होता है मैम, पद्मिनी जी वैसे मैंने देखा है आप छोटी उम्र में फिल्मों में आ गई थी, ये बड़े शहर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें और हम में यही फर्क है। इनको बचपन से ही पता है कि हमने बड़े होके ये करना है, तो छोटे होते ही उसी फील्ड में चले गए। हमें पता ही नहीं था बड़े होके क्या करना है। जैसे अर्चना जी हैं, ये तो पहले गलत फील्ड में चली गई थी। किसमें? पहले एक्टिंग करने लगी थी। फिर किसी ने बताया कि बैठे बैठे भी कमाई हो सकती है। क्या अच्छी बात है, वाह वाह। पद्मिनी जी जब आप बच्चे के तौर पे जाती थी, आप यू नो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती थी, तो प्रोड्यूसर आपको पेमेंट देता था कि खाली पेस्ट्री खिला के भेज देता था कि बेटे खाओ? नहीं नहीं, नहीं पेमेंट मिलती थी मेरे माता पिता जो थे। वो तो नहीं बच्चे थे ना। उस वक्त तो एक्चुअली दौर ही अलग था, तो बड़े बड़े जितने भी स्टार्स होते थे तो उनके सामने जाकर हम यूं ही हंसते खेलते थे और मस्ती में थे, बिकॉज बच्चे बहुत साथ थे। अभी जैसे ड्रीम गर्ल फिल्म की मैंने, उसमें काफी बच्चे थे साथ में, बट ऑफकोर्स सत्यम शिवम सुंदरम और इश्किश के बाद तो देवांकल राज साहब, उनके साथ तो बहुत 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 कुछ सीखा मैंने। वाओ पूनम जी, आप वैसे शुरू से हीरोइन बनना चाहती थी? बिल्कुल नहीं, मैं तो मतलब कैसे गलती से आ गई। कैसे मतलब? और सोचा था कि मैं मतलब पढ़ाई करूंगी कुछ, लाइफ में एग्जाम देने का बहुत शौक था। अच्छा जी। तो मेरे बच्चे मुझे अभी बोलते हैं मॉम यू आर वियर्ड, कि किसको पढ़ाई और एग्जाम्स का शौक हो सकता है। बट आई यूज़्ड टू लव माई स्टडीज, और मैंने जब फिल्मों में आई तो एक छुट्टियों में एक छोटी सी फिल्म सोचा कर लूंगी, छोटी सी फिल्म मतलब त्रिशूल थी वो। उसके बाद मैंने वापस गई और प्लस टू के एग्जाम के लिए कॉलेज में एडमिशन ली, फिर नूरी आ गई। वाह। और नूरी आने के बाद फिर से मैंने ना बोला मुझे नहीं करना फिल्मों में काम। चेहरे पे नूर आ गया था पता, नूरी देख के। और मुझे शशि जी, शशि अंकल जिसे हम कहते थे, हमेशा छेड़ते थे, अच्छा मुझे फिल्मों में काम नहीं करना, बोल के गई थी, बिकॉज ही ऑफर्ड मी द फर्स्ट फिल्म विच आई वाज टू डू। तो मैंने बोला नहीं मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है। बोले आ गए ना ब्लाइंड पे, यू नो हाउ शशि जी आज बहुत चार्मिंगली बोलते थे। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, आई थिंक डेस्टिनी लेके आई मुझे। क्या बात। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली पूनम जी के बच्चे ना नॉर्मल है, वो सोचते ना कि पढ़ाई से क्या होगा, मतलब मुझे एक्चुअली मैं उस ब्रैकेट में आती हूँ। हाँ किसी ने बताया, कहते पद्मिनी जी आप जब 7-8 साल की उम्र में फिल्मों में आ गई थी तो आपको फिल्मों में काम करना ज्यादा अच्छा लगता था कि स्कूल में मन नहीं लगता था उस हिसाब से? किसका मन लगेगा आप मुझे बताइए। आप आते हो सेट पर, आपको चॉकलेट्स मिलती है, आपको बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करना मिलता है, और पढ़ाई तो है ही नहीं, तो फिर बस। एक्चुअली हाँ मजे की बात है, जिसमें मजा आ रहा हो, पर जब आप मैम इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करके इतनी पॉपुलर हो गई, फिर जब आप स्कूल जाती थी तो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठती थी कि टीचर की कुर्सी पे? मतलब वो स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलता ही होगा। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, मेरा पारसी स्कूल था तो काफी स्ट्रिक्ट थी हमारी, जितनी भी टीचर्स थी बहुत स्ट्रिक्ट थी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से वो लोग जहाँ फिल्म बच्चे देखते हैं
और भी ज्यादा थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हो जाते उनको लगता है ये बिगड़े हुए हैं, ये छुट्टियां मारते हैं, ये लोग प्रिविलेज्ड हैं, तो यू गेट एक्स्ट्रा मीन ट्रीटमेंट। या आपका तो पूनम जी, मैंने सुना कि आप तो सेट पे भी जब होती थी शॉट देके बीच में शॉट, उसके बाद भी किताब खोल लेती थी। मुझसे पूछिए सही बात है ये। हमारी जब बिल्कुल शुरू हुई थी दोस्ती नहीं, ऐसे था। अच्छा हाँ बताओ। कहते हैं ना टू नेगेटिव्स अट्रैक्ट, ऐसा ही हुआ हमारे साथ। अच्छा या एक्चुअली तो ये मैडम कोने में बैठ के अपनी किताब खोल के पढ़ती थी, और संजू और मैं, मतलब संजू बाबा, हम ऐसे दूर से उसको देखे ना व्हाई डोंट यू टेल एक्चुअली उससे पहले स्टार्टेड बिफोर दैट आल्सो इफ यू डोंट रिमेम्बर, ये प्रेम रोग की शूटिंग कर रहे थे मैसूर में, और हम बीवी और बीवी की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा जी। तो ये राज कपूर जी के साथ शूटिंग कर रहे थे और मैं राहुल रवेल के साथ। अच्छा जी। तो यूनिट साथ में से दोनों राज कपूर फिल्म्स थी। So she had this habit of giggling at everything. तो जब भी आती थी अपनी हेडरेसर के साथ मिलके आपको वही फीलिंग आती है ना। Right. अब तो मैं समझ गई हूं। इसको एक्चुअली अट्रैक्ट करने का यही एक तरीका था। नहीं तो आदमी कोई किसी की तरफ देख के हंसते ना तो आदमी अपने कपड़े चेक करने लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं पहना हुआ। तो हमें किसी ने ऐसे ही बता दिया, कहते हैं एक्चुअली पूनम जी ने सेट पे इसलिए पढ़ती रहती थी, उन्होंने अपनी सारी फीस एडवांस में भर दी थी तो मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन पूनम, अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री में आना कभी चाहती ही नहीं थी, इरादा ही नहीं था, तो फिल्म इंडस्ट्री वालों की नजर में कैसे आई? आई मीन शशि कपूर, यू नो, ऑफर्ड यू फिल्म। एक्चुअली यश चोपड़ा जी की नजर में आई, उन्होंने कहीं पे रैंडम तस्वीर देखी मेरी, एंड यू नो अ मैन ऑफ हिज कैलिबर, एक नजर देख के उनको लगा, और कहां से ढूंढ के निकाला, चंडीगढ़ से। मैं बॉम्बे में भी नहीं रहती थी, तो लिटरली इन्वेस्टिगेशन CID सब किया उन्होंने के कहां पे रहती है, पेरेंट्स कौन है, तो वैसे करते करते मुझे खोज निकाला। तो इट वॉज इंटरेस्टिंग। अच्छा, कभी कभी ना हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो ना जहाँ पे हमें बोला गया हो कि हंसना नहीं है, वहां पे ना बहुत हंसी आती है। और मैंने सुना है पद्मिनी मैम की ना हंसी बड़ी कच्ची है, तो मैम कभी ऐसा हुआ कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको हंसी आ गई हो फिर बाद में आप एम्बैरेस हुई कि नहीं यार मुझे हंसना नहीं चाहिए था, कभी हुआ आपके साथ ऐसा? इन्हीं के सामने हुआ होगा। नहीं, पर ये जो हम फिल्म कर रहे थे, संजय दत्त और ये और मैं, हम तीन थे, और संजू भी इतना बदमाश है, वो तो आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है संजय दत्त कितना नॉटी बॉय है। तो ये दोनों मिलके, आई थिंक आपने पहले कोई फिल्म की थी साथ में, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? मैं तीन चार फिल्में कर चुकी हूं, और मैं आई यूज्ड टू फील वेरी एलियन के दोनों गैंग अप जो हो जाता है ना, दो जन एक दूसरे के साथ और तीसरे, सो दैट्स हाउ दे यूज्ड टू बी मीन टू मी एट दैट टाइम। देन माय पुअर लिटिल स्नॉब थी, एक्चुअली बड़ी स्नॉब थी। मैं तो सोच रही हूं तुम दोनों की बातें सुनकर कि कमाल है, तुम दोस्त हो, वो मीन थी, वो स्नॉब थी, ये सब ही हो रहा है इसके ऊपर तालियां तालियां। पद्मिनी मैम, आपके बारे में सुना है कि आप जिनके साथ भी काम करती थी, चाहे देव साहब हो चाहे राज कपूर साहब हो, आप उनकी नकल बड़ी अच्छी उतार लेती थी। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, मैं काका जी की बहुत बड़ी फैन थी, राजेश खन्ना साहब की, और उनके जितने भी गाने थे मैं एक्चुअली रिकॉर्ड उनका लगा के डांस करती थी, फिर देव अंकल की फैन बनी, फिर उनको मैं कॉपी करती थी, फिर शशि अंकल की फैन बनी, तो उनको मैं कॉपी करती करती शायद वो मेरा एक ट्रेनिंग था एज एन एक्टर। मैम थोड़ा सा हो जाए आज देव साहब का कुछ ऐसे मजा आ जाएगा मैम। नहीं 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 नहीं, उसके लिए आपको मुझे नहीं, वो जैकी को बुलाना पड़ेगा। किसको? जैकी को, वो तो अच्छा। सीधा खड़े खड़े ही देव साहब लगते हैं, इतने बड़े फैन हैं देव साहब के। आज आप दोनों को देखने के लिए एम्स से यहाँ पे सीनियर सर्जन आए हुए हैं। मैं अपने दर्शकों को ये पता ही है वैसे कि बॉलीवुड में जो वैनिटी वैन का कॉन्सेप्ट जो था वो पूनम जी लेके आई थी, और एक हमारी अर्चना जी हैं जो यहाँ पे खड़ी वैनिटी को भी घर ले जाती हैं। एक्चुअली घर पे नहीं ना जाती बिकॉज कोविड, अब क्या करती है, लेकिन मैंने कहा अगर आपको वैनिटी में सोना है तो यहीं पे सो जाया करो, बोलती नहीं मुझे परमीत का भी तो ध्यान रखना कहीं बाहर ना जाए वो। तो अपने घर के बाहर खड़ी कर लेती वैन। पर उस दिन ज्यादा हो गया अर्चना जी, क्या क्या मैंने, जब आपने बोला कि अगर वैनिटी भी मैं चला लूं तो क्या ये 2000 भी मुझे मिलेगा, बहुत ज्यादा था। अच्छा मैम, उस जो 80s में जब फिल्में बनती थी ज्यादातर उस जमाने में न वैनिटीज हुआ करती थी न कुछ हुआ करता था, हम लोग बस देखते थे पेड़ कहाँ पर है, छांव में जाके बैठे, कुर्सियां लगा के,
पंखे चलते थे, कोई एसी नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा वो सब तो फिर भी ठीक था, जब कपड़े चेंज करने होते थे कॉस्ट्यूम के लिए, माय गुडनेस, वहां से मेरा थॉट आया। मैंने कहा यार हम लोग जाते हैं, एक हेयरड्रेसर एक साइड से कुछ चद्दर पकड़ के खड़ी है, हम कहीं पीछे चेंज कर रहे हैं, मतलब आउटडोर्स में तो बुरी हालत होती थी। एंड मैंने कहा ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि व्हाई कांट वी हैव अ वैन। एंड मुझे सारे प्रोड्यूसर्स बोलते थे कि व्हाई वुड अ न्यू प्रोड्यूसर पे सो मच एक्स्ट्रा फॉर इट। आज देखिए स्टूडियो है, मेकअप रूम है, फिर भी वैनिटी सब बाहर खड़ी हुई है। आई फील वेरी थैंक यू, फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड टू यू। इनफैक्ट लोगों को लगता है ये इतना ग्लैमरस प्रोफेशन है कि यहाँ पे पता नहीं क्या क्या होता होगा, बहुत हार्ड वर्क है और किस मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में हम डांस कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत रोमांटिक लग रहे हैं, उधर पैर जल रहे हैं गर्मी में और नीचे पत्थर है गरम गरम, पर एक्सप्रेशन फिर भी लव एंड रोमांस लगता है, मैं हीरो से इश्क है पर उन्होंने जल्दी शॉट लो खत्म कर। अब तो फिर भी माहौल बहुत बदल गया मैम, अब तो बड़ा इजी हो गया। हालांकि मैंने सुना है जब अर्चना जी ने फिल्में शुरू की उस समय कैमरा भी नहीं होते थे। यार ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, अगर मैं 250 साल की हूँ तो कमाल है, मैं तब से अब तक चली आ रही हूँ। मैम आई लव यू। नहीं पर हाँ ये बात सही है, एक बार ना हम लोग, मैं अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए चंडीगढ़ में हम लोग बिल्कुल सर्दी का सीक्वेंस था, दिसंबर में फॉग थी पूरी। अब उसका कुछ चंक बच गया जो हम लोगों को बीकानेर में चीट करना था, अब वो है मई का महीना। मैं तो शॉट देख के गाड़ी में बैठ गया फटाफट और पूरी यूनिफॉर्म यहाँ तक जुराबे वो आर्मी वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई, और कुछ लोग 48 टेम्परेचर में आग जला के ऊपर से कंबल लेके आग देख रहे हैं। मैंने कहा हिला के देख लो कहीं ऐसे गिरी ना गया हो। कभी ऐसे मतलब आर्टिस्ट को ऐसे भी काम करना पड़ता है। बिल्कुल हाँ, हमारा काम बड़ा मेहनत वाला होता है। हाँ नहीं किसी भी बात है। अच्छा ऐसे माहौल में जब इतना मुश्किल हो शूट करना, तो तब आपको पता चले कि एक स्क्रिप्ट आई है जिसका शूट जो है स्विट्जरलैंड में है। ओहो तो उस समय फिर आप क्या करते थे? आप खुशी में पैसे भी कम कर देते थे कि पैसे हमसे हम फीस कम कर देते, लेकिन चलो बाहर शूट करने, ऐसा किया कभी आपने? बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं, पैसे क्यों कम करेंगे भाई। इनफैक्ट फॉरेन शूटिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज होना चाहिए था, अभी किया नहीं हमने कभी। आपको एक चीज पता है, मैंने एक फिल्म लंदन में शूट की, रोमांस नाम था। अच्छा जी। वहां बोलते थे 7 o'clock रेडी विद मेकअप, ओके। तो हम सोचते थे जैसे इंडिया की तरह 5 बजे अंधेरा हो जाएगा, घर आ जाएंगे, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, अंधेरा ही नहीं हो रहा था। तो एक्स्ट्रा आवर शूट करते थे हम लोग, 10 बजे तक शूटिंग चलती थी क्योंकि डे लाइट पूरी, तो एक्स्ट्रा मेहनत होती है फॉरेन जाके। प्रेम रोग के वक्त, प्रेम रोग की शूटिंग थी एम्स्टरडेम में, एग्जैक्ट सेम माहौल, 5 बज रहे, 6 बज रहे, 7 बज रहे और धूप, इतनी धूप, 10 बजे पैकअप होता था, मतलब सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक शूटिंग होती थी। आप तभी एम्स्टर्डम चले गए थे? वाओ, मैं तो अभी जाके आया थोड़ी देर पहले ही। आपने कुछ अलग टाइप का एंजॉयमेंट लिया होगा, इन्होंने वो सब। पत्नी एक सवाल अर्चना जी का है, कहती है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो प्रोड्यूसर टूटू शर्मा जी हैं, तो आपकी कभी टूटू जी के साथ टूटू मैम हुई है? एक्चुअली अच्छा ही है, एक्चुअली प्रॉब्लम अब समझी, इसी की वजह से कोई टूटू मैम नहीं हुई है। वो बहुत बेचारा चुप हो जाता है, ये जब बोलती है स्कॉर्पियन वुमन है तो कोई इसके सामने बोलता नहीं। बोलती है तब नहीं बेचारे, जब शादी हो जाती है आदमी तभी बेचारा हो जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। अच्छा। आ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। आप भी अच्छा, अभी आप घर जाओ ना, कभी वैसे ही वाइफ पूछ ले कहाँ से आ रहे हो, आप चाहे काम से ही आ रहे हो, आदमी एक सेकंड के लिए तो डर जाता है, क्या मतलब कहाँ से आ रहे हो, काम से। आपके शो पे मैं ना मैं अलग एक कैमरा रखना चाहती हूँ, आपके सारे एक्सप्रेशंस मैं कैच करना चाहती हूँ, मतलब कमाल के एक्सप्रेशंस हैं आपके। ओहो थैंक यू। अर्चना जी, हाँ जी, मैंने आज आपको एक बात बतानी है। क्या बात बता? पूनम जी, पद्मिनी जी, बिग फैन। थैंक यू। अच्छा वो इधर ही मुलाकात होगी, नहीं तो मैंने तो आपको मिलने के लिए आना था स्पेशली। अच्छा आपकी बिल्डिंग में वॉचमैन की पोस्ट वगैरह खाली कोई? यार पिछले 1 साल से तुमने कुछ बड़ा सोचा? वॉचमैन,
टी मैन रद्दी वाला कुछ बड़ा सोचो। तूने क्या किया फिर? हाँ मैं आपको बताता हूँ मैम, मैंने इधर कैटरिंग का काम खोला जी, चंदू कैटर। ये हुआ बड़ा 5,000 करोड़ की टर्नओवर वाला काम। ये देखो भाई, जाने से पहले वसीयत लिख जाना, कहीं बच्चों में लड़ाइयां ना हो भाई, कौन सी कड़छियां हमारी है, कौन से पतीले हमारे। तू बड़ा बड़ा काम करके आया। कपिल शर्मा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरे क्लाइंट से बात करने दो मैम। क्लाइंट नहीं मालकिन। शादी मंडप बर्थडे कुछ भी हो, सारा अरेंजमेंट है हमारे पास। अच्छा अच्छा, पहले पहले सैंपल भेजिए कुछ एक महीने तक, उसके बाद हम सोचेंगे। जी जी बिल्कुल। कोई भी फंक्शन हो, ये विद फैमिली घुसते हैं। मान लो आपका फंक्शन 20 लोगों का हो, ये 27 लोग आते हैं, और खाना भर के घर पे ले जाने का भी पूरा अरेंजमेंट है इनके पास। एक बार तो आपको पता है ये विद फैमिली किसी चौथे में घुस गया। वो कहते हैं किसकी तरफ से? कहता मैं लड़की वालों की तरफ से। उन्होंने थोड़ी देर चौथा होल्ड किया, पहले इसका चौथा किया उन्होंने। तो किस बिजनेस में रिस्क नहीं होता, मुझे ये बताओ। तब हम थोड़े इमैच्योर थे, पकड़े जाते थे, नहीं पता चलता था, ये पुरानी बातें हैं। अब मैं एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ। अच्छा क्या? बिजनेसमैन। पहला पहला वाला बोल जो। जब तुम्हें अंग्रेजी के वर्ड नहीं समझ में आते तो क्यों बार बार पूछते हो? तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ। ओह गॉड। ताकि मेरे दोस्त को ना बुरा लगे। क्या बात है। हाँ, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड से हुई ना बाहर से। उस दिन मेरे साथ होटल में गया, वेटर आया, वो कहता है वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, कहता आपको भी मैरी क्रिसमस। वो तो मैम उन दिनों मैं मारिया डिसूजा को डेट कर रहा था, इसलिए फ्लो फ्लो में निकल गया। अच्छा, कमला का नाम तूने मारिया डिसूजा कर दिया। मारिया डिसूजा थी वो। हाँ, डिसूजा के उसके फादर ने जब आके तेरा डी सुझाया था तब। कपिल शर्मा, चंदू ने सिर्फ रोटियां नहीं खाई, पिज्जे और पास्ते भी चखे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप दोनों के बेटे भी शादी के लायक हो चुके हैं, तो जब कभी भी आप उनकी शादी करें तो प्लीज एज ए कैटरर चंदू को मौका जरूर दीजिए। बहुत फेमस कैटरिंग है हमारी, बड़ी फेमस है। जरूर चंदू, रेकमेंड करेंगे तो हम जरूर। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी इन्होंने हाल ही में एक पीछे शादी थी वो करी ना, तो लड़की का बाप आके बोलता है टाइम हो गया, खाना कहाँ है? कहता सर बस जहाँ से लेने गए ना जिस शादी से, हमारे बंदे पकड़े गए। कहता हमारे बंदे पकड़ गए, 2-4 मिनट मारपीट के बाद वो छोड़ देंगे, तब तक आप पानी वगैरह सैलड खाओ आप। ये है इनकी कैटरिंग। हाँ जी, इनको इसलिए बता क्योंकि उधर हेड वेटर यही थे। जाओ यार, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। तो मैंने तुझे बुलाया था चिट्ठी डाल के कि आओ हमारी चलती इंटरव्यू में। अर्चना मैम, मैंने एक बात ठान ली है। क्या? जब आपकी बात ना बने तो इग्नोर कर दो, सामने वाले की बात भी खराब हो जाती है। अच्छा आइडिया। खैर परिन मैम, अगर आप कहें तो मैं आपके घर कल सैंपल चेक करवा जाऊं आपके खाने की। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हाइजीन बिल्कुल नहीं होता इसके खाने में। मैम जब हम इंडियन बना लेते हैं, चाइनीज बना लेते हैं, तो हाइजीन भी बना ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइजीन मतलब ये साफ सफाई, कोविड का माहौल चल रहा है। क्या मतलब तुम्हारा साफ सफाई का? क्या मैं रोटियों को मास्क पहना दूं, सब्जी में सैनिटाइजर का तड़का लगा दूं मैं? आप प्लीज थोड़े मेरे को एडवांस देकर बुक कर लीजिए, क्योंकि बाद में मैंने खाना भी रेडी करना है। उन्होंने तो अभी कोई शादी की बात नहीं की, बच्चे तो अभी बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें अभी से खाना रेडी करना है। यार मैंने अपने खाने की बात की है, खुद खाऊंगा तो लोगों को खिलाऊंगा मैं। प्लीज थोड़े पैसे दे दीजिए एज एडवांस। आ गया ना असलियत पे, यही करने आया था। मैं बचपन से जानता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा मेरे साथ, ये जब पैदा हुआ ना तो डॉक्टर ने पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज करवाया, और फिर उसके बाद 2 साल अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। और जब ये पैदा हुए, डॉक्टर ने बाहर आकर इनके रिश्तेदारों को बोल दिया, कहते अंदर नहीं जाना मूड खराब हो जाएगा। और ये पैदा हुआ ना, क्या यार जब ये पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ? क्या यार तुम पैदा होने के पीछे पड़े रहते हो? हेलो हेलो। नहीं मैम, हमेशा जब ये पैदा हुआ, ये मुझे पता नहीं, झगड़ा नहीं। देखो मैम, पता के चक्कर, अगर मुझे पता होता ये इस दौर में पैदा होगा तो मैं इस दौर में पैदा ही ना होता। तो किस दौर में पैदा होता? मैं शाहजहां के दौर में पैदा होता, वो भी मुमताज बन के। कम से कम मेरे लिए ताजमहल तो बनता। ओ, ये मुंह है मुमताज वाला। जा यार जा, रहने दे, तेरे से बात नहीं करनी। मैं बता रहा था आपको कि जब ये पैदा हुआ तो भाई डॉक्टर क्या बोलता है, बोलता है ऐसे हॉस्पिटल के बीच में से तो लेके जा नहीं सकते ये सब आइटम,
तो डॉक्टर खिड़की पर खड़ा हो गया, कहता पिताजी को बोलता तुम खिड़की के नीचे आओ, आया कहता ये लो आपका। मुमताज बनेगा, देखो तो आप एक्सपेक्टेशन देखो रे आदमी की, कहता मैं मुमताज बन के पैदा होता। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ ये शाहजहां के टाइम पे नहीं थे, अगर ये शाहजहां के टाइम पे होते ना तो युद्ध के टाइम इन्होंने दुश्मनों को यही कहना था, ओए तुम्हारी शक्ल है युद्ध करने वाली। और तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा हो, शक्ल के हिसाब से तो तुम्हारा गधा बनता है। मैम आपको पता है जब इसको लड़की वाले देखने आए ना, लड़की वाले देख रहे हैं कोई नहीं देख रहे हैं के लिए आता है यार कपूर शर्मा ये घोड़ी पे बैठ के गया। ये घोड़ी एक बात कर रहे हैं, ये घोड़ी पे बैठ के गया, मैं घोड़ी पे बैठा ही नहीं, यही मैंने बता रहा था, ये कहते बैठ के गया था। अच्छा वो जयमाला लेके आई, ये गधे बैठा हुआ और लड़की कंफ्यूज, कि दोनों में से दूल्हा कौन है। अच्छा एक मुझे नहीं बता रहे कि गधा बना कौन था, ये मेरा दोस्त ने मेरा साथ दिया। हाँ। आपके दोस्त को देख के यकीन आया लगता है। मेरी बात सुनो। नहीं नहीं मैं साथ भी गया था, उन्होंने मेरे को देख के दे दी थी। वही तो। अरे अगर दोस्त ऐसे हैं तो ठीक है। ये जो अपने तूने ताई जी का ब्लाउज काट के जो अपनी बनियान बनवाई है ना, मैं जा रहा हूँ यार। और नहीं, अब देख लो, ये देख लो फिर आया यहाँ से, इधर एग्जिट है तेरी। मैडम चक्कर पता क्या है, जो भी बातें इन्होंने बोली मैं सबका खंडन करता हूँ और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी बोली हुई बातों की सीबीआई जांच हो। एबीसी तुझे आती नहीं, सीबीआई जांच करवा रहे थे। तो मैडम मैं जा रहा हूँ क्योंकि इधर इस बंदे ने मेरी बात नहीं होने देनी आपके साथ। हाँ। तो मैं आपको बैकस्टेज में सुन मेरी बात, जब जिस काम के लिए जा रहा था ना उसको इतनी देर रोकते नहीं। ओ, तो, मैम अर्चना जी का एक सवाल था। हाय रब्बा। ये कह रही थी कि जब आप फिल्में साइन करती थी तो ये पता लगाने की कोशिश करती थी कि फलानी हीरोइन कितने पैसे ले रही है। हाँ क्या करें, खुलासा करते हैं। कर दो आज खुलासा, आप करी दो आज। देखिए हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे उस टाइम पे। अच्छा जी। इंडिविजुअल, इनका सेक्रेटरी अलग मेरा अलग। राइट। तो हमारे सेक्रेटरीज आई थिंक हल्के से एक दूसरे से पूछ लेते थे कि वैसे आजकल क्या रेट है मार्केट में, कितना तक जा सकते हैं ऊपर। तो अगर इतना अमाउंट था तो शुरू उधर से डबल से करते थे, फिर धीरे 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 कम, धीरे धीरे बट मांडवा हो जाता था कहीं पे, है ना। तो स्वीट है। नहीं बट एज ए हीरोइन आज तक हमें अफसोस है कि हमें वो उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने हमारे हीरोज को मिलते थे। दैट्स ट्रू। बट वो बदल रहा है शायद थोड़ा थोड़ा। नहीं एक्चुअली अभी कल परसों एक्चुअली पूनम ने फोन किया मुझे कि तू कितना ले रही है कपिल के शो पे। तो आपको किसी ने पूछा नहीं कि आप कितना भी ले लो सबका छीन लेती हैं। अच्छा वैसे इधर एक ब्यूटी पार्लर है कपिल, आपको मालूम है हिंदी में ब्यूटी पार्लर को क्या बोलते हैं? श्रृंगार। नहीं पता। नहीं पता मतलब श्रृंगार कक्ष समथिंग। नहीं श्रृंगार कक्ष कुछ ऐसा ही होगा। गुड ट्राई। मेकअप रूम हो गया वो। हाँ मेकअप रूम। महिला मुख काया कलप जादुई केंद्र। My God. अच्छा slightly insulting ना कि महिला का मतलब काया कल्प ही होता है। नहीं नहीं और ऊपर से जादू हमारा जादू होता है मतलब जो निकल के आती हैं वो एकदम नई हूर परी निकल के। हिंदी इसीलिए भाषा अच्छी लगती है, सच बोलते हैं। अंग्रेज को पार्लर लिख दिया, पार्लर के अंदर आइसक्रीम मिल रही है। अच्छा कपिल एक सीक्रेट आज आपको मुझे शेयर करनी है। जी मैम। आप ये टूटू एंड बंदी ये सब बोलते हैं, आपको पता है जब इनकी शादी हुई थी ये कहाँ से कूद के कहाँ तक पहुँच के इन्होंने शादी की थी? हा? मुझे इतना जरूर पता था कि इनकी शादी करवाने में आपका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ऐसा आपको लगता था कि जब ये हनीमून पे चले जाएंगे इनकी सारी फिल्में आपको मिल जाएंगी। ऐसा हमने सुना। करेक्ट सही कहा आपने, सही सही कहा और सही सुना आपने। मैं एक फिल्म कर रही थी कसम। हाँ। अच्छा
वो तो मैंने इन पे एहसान किया था बेचारा उनका सेट लगा हुआ था, सब चीजें फाइनल थी, कॉस्ट्यूम तक बन चुके थे और मैडम को रोमांस चढ़ा और प्रोड्यूसर को छोड़ के चली गई। अच्छा हुआ चली गई, वरना मैं अशोक ठकेरिया की बीवी होती। सोचिए मैं अशोक की बीवी होती और ये टूटू शर्मा की बीवी होती। अभी ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। ये बात दोनों सुन के टीवी बड़ा खुश हो रहे होंगे। नहीं बट द फनी पार्ट वाज मैं कहीं लंदन में थी, बाहर थी, जिस दिन लैंड हुई मुझे कुछ पता नहीं था ये पीछे से क्या रोमांस चल रहा है इनका। तो मतलब उस टाइम पे तो मोबाइल फोन था नहीं ना कि फोन करके बोले मैं क्या करूं ऐसा है। आई केम एंड पहली बार अशोक ठकेरिया आए मुझे एयरपोर्ट लेने, तो मुझे लगा ओ माय गॉड दिस गाइस कम टू मीट मी, मे बी इज इंटरेस्टेड इन मी। तो पर ऐसा कुछ नहीं, एक कुछ कपड़ा सा निकाला उन्होंने अपने बैग से, ही सेज आई नीड यू टू डू समथिंग। मैंने कहा ये क्या लेके आए हैं, एक छोटा सा कपड़ा, एक लाल रंग का ब्लाउज था कि पद्मिनी के साइज का ब्लाउज बनाना है क्योंकि ये भाग के शादी कर रही है। अच्छा तो इनकी शादी का ब्लाउज मैंने बनवाया एंड वो उस दिन से आई थिंक आज तक इसने मुझे माफ नहीं किया। मजेदार कहानियां हैं पर आपने कमाल ही किया है वैसे, बचपन से फिल्मों में आ गई, धड़ाधड़ सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में करके फटाफट 21 उम्र में शादी भी, वाह। मतलब 24-25 तक तो आदमी को समझ में नहीं आती करना क्या लाइफ में, भाई सुपरस्टार बनके फटाफट शादी भी करके सेट भी हो गई। पर वही तो है ना, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया ना क्या हुआ। अब समझ आ रहा है। नहीं बट आई थिंक शी मैरिड टू यंग, शी हैड एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ मोर करियर। आजकल की हीरोइंस तो आती 25 साल में है फिर 40 इयर्स तक काम करती हैं। हम दोनों ने रिटायर हो गए थे बाय 25-26। ओह वाओ, तो वो हम लोगों की भी थोड़ी सी बेवकूफी भी थी। शादी करके हीरोइन को काम करना थोड़ा मुश्किल लगता था। लगता था ये शादी हो गई अब ये काम नहीं करेगी। आज एक्चुअली अच्छा हुआ मैंने काम छोड़ दिया, बिकॉज अब वो जो प्रैक्टिस थी ना उन दिनों में वो अब काम आ रही है। झाड़ू, कच्चा खाना, बर्तन। मैम आप दोनों इतनी पक्की सहेलियां हैं, सहेली वर्ड बड़े देर बाद सुना ना। अगर आपको एक दूसरे की कोई एक आदत बदलनी हो तो कौन सी बदलना चाहेंगी आप? ओहो, मैं बोलूं पहले? बता दूं? बोल दे। ये ना सब कुछ अपने अंदर रखती है, मतलब खुल के बोलती नहीं, कोई चीज बुरी भी लगी हो तो बोलेगी नहीं। इंट्रोवर्ट कोई है? हाँ, I don't hurt and upset others. मतलब obviously अगर कोई चीज मुझे suppose कपिल जी आपकी मुझे कोई चीज पसंद नहीं आए तो मैं बोलूंगी नहीं ना आपको, मैं क्यों आपका दिल दुखाऊं? अब जो आपने मेरी पहले तारीफ की मुझे उस पर भी शक हो रहा है। अच्छा अभी आपकी बारी है। मेरी एक ही बोलना, 10-12 नहीं बोल देना। ये बहुत ज्यादा बोलती है। जाहिर है मुझे चांस ही नहीं दे रही है बात करने का। मैं अभी आप ही को तो बोल रही हूँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ। अच्छा मैम जब ये सोशल मीडिया वगैरह तो तब होता नहीं था 80s में ना, मोबाइल और वो सब फेसबुक और ट्विटर, तो आपके फैंस से आप फिर कैसे कनेक्ट करते थे? सीधा शूट पे ही देखने आते होंगे लोग ना? नहीं उनके काफी एक्चुअली फैन लेटर्स आते थे और हम बाकायदा 1,000-1,500-5,000 फोटोज हम लोग छपाते थे एंड उनको भेजते थे बाकायदा ऑटोग्राफ, मेहनत करके अपने हाथों से साइन कर करके सबको भेजते। मजा ही कुछ और था। अभी क्या है, एट द क्लिक ऑफ अ बटन यू गेट एवरीथिंग। कोई ऐसा फैन आपको कभी कभी होता ना कि कोई याद रह जाता है कि यार एक फैन मिला था, या तो बड़ा प्यार से मिला था या बड़ा डर ही लग गया था कि हाँ यार ये क्या कर रहा है, ऐसा कोई है? मेरे एक्चुअली काफी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हैं। एक तो बंदा आया था बाकायदा अपना बोरिया बिस्तर पैक करके मेरे घर घर के बाहर गाड़ी पार्क की या टैक्सी में आया पता नहीं कि मैं पद्मिनी से शादी करने आया हूँ, सीधा शादी, यही रहूंगा उनके साथ। मतलब माय डैड एक्चुअली हैड टू हैंडल हिम कि अच्छा ठीक है वो आएगी फिर मैं बात करता हूँ, आप जाइए आप घर जाइए अपना पता दीजिए हम आपको फोन करेंगे। ओह गॉड, मतलब कितना कॉन्फिडेंट था, क्या करता था वो? मुझे तो याद भी नहीं। जो बोरिया बिस्तरा लेकर अपनी बीवी होने वाली या चाहने वाली बीवी के घर रहना चाहता वो क्या करता होगा? Well said. इश्क करता था, इश्क। पर वाकई कई मतलब लोग प्यार करते तो फिर वो
एकदम से वो अलग ही हो जाता है. बट आई थिंक उस टाइम के फैंस कुछ अलग टाइप की दीवानगी होती थी बिकॉज वो एफर्ट कितना करते थे. और सिमिलर एक्सपीरियंस आई हैड, मेरा कलकत्ता से आया था फैन, चिट्ठियां लिखता था इतनी इतनी लंबी 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 20-20 पेज की, तो मैं ऑब्वियसली पढ़ती नहीं थी, वो दे देती थी. एक दिन सडनली बेल बजी और वो हमारे फ्रंट डोर पे, बाई चांस मैं घर पे थी, तो माय मैनेजर माय स्टाफ सेड तुम जाओ हम पुलिस को बुलाएंगे, बुला लो बेशक. जैसे ऐसा नहीं आ सकते, लिटरली धक्का मार के ही केम इनसाइड डोर ओपन करके. वी कॉल्ड द पुलिस, फिर भी वो हिला नहीं वहां से. बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, बुला लो पुलिस को, क्या करेंगे, मैंने कुछ किया है, गलत किया, मैं तो फैन हूँ, मैं तो मिलना चाहता हूँ. अशोक ठकरिया साहब तो नहीं थे? फिर कैसे गया? नहीं, बहुत इट वाज रियली स्केरी एक्चुअली. देयर वाज वन फैन पंडित जो कहता था मेरी तो शादी हो गई है पूनम से, उसके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे, तुम मुझे स्टेशन पे मिलो, हम चले जाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स अगेंस्ट है, तुम और मैं, मतलब उसके माइंड में पूरी हमारी शादी हो चुकी थी और मेरे पेरेंट्स विलन थे. तो वो खुद ही मान बैठा था अंदर ही अंदर सब कुछ. देयर एक्चुअली जो मेंटल इश्यूज होते हैं दे आर जेन्युइन, दे आर नॉट, वो लोग एक्टिंग नहीं कर रहे होते, दे रियली बिलीव इट, व्हिच इज सैड कि उनके मन में कितनी तकलीफ हो रही होगी. कई बार ऐसा भी होता है कि जानबूझ के ऐसे करता हूं, इनको लगेगा कि शायद मैं ठीक नहीं, बाहर जाके बोला नहीं ये बात नहीं बनी. है ना, हो सकता है वैसे बंदा ठीक ही हो. नमस्ते 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 नमस्ते. ओ वाह वाह, आई पूनम ढिल्लों, मैं फरी ढिल्लों 2.5 किलो, थोड़ी सी धोती खींच लेता हूं, धोती हो रही है ढिल्लो 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 ढिल्लो. फनी ढिल्लों जी, यहां आप कैसे आ गए? मतलब ये क्या कह दिया आपने, क्यों नहीं आऊंगा, सोनी पर आज सोनी आई है तो सोनी का महिवाल नहीं आएगा क्या? लेकिन सोनी तो मैं हूँ. क्या कहा तुमने? तुम सोनी हो, अगर तुम सोनी हो तो मेरे आखिरी 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो. चेक दे मुझे, चेक दे, चेक दे, चेक दे मुझे, चेक दे, चेक दे. मैं सोनी महवाल की सोनी हूँ. ये कैसा सियासी खेल खेला जा रहा है मेरे साथ? कभी तुम कहती हो तुम सोनी हो, फिर कहती हो महिवाल की सोनी हो. देखो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, सोनी बन के मेरे 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है, वरना अगर ये जट बिगड़ गया ना तो सारे चैनलों को ले डूबेगा. आप अपने सोनी से ऐसे बात नहीं कर सकते. देखो अगर तुम सोनी होती तो फिल्म का नाम सोनी महिवाल नहीं सॉरी महिवाल होता. सॉरी तुम मुंबई नहीं आ सकती, चली जाओ. वो चली गई, वो माफ कर दो. अरे ये रोमांटिक सोनी महिवाल की जगह है, ये बड़ा स्टाइल है. मैं ऐसा ही हूँ. पर ये टी-शर्ट के साथ पेटीकोट क्यों पहना है? और ये कहाँ से लाए हैं? ये नहीं आई इसके साथ, ये इनके साथ आए हैं. पद्मिनी जी सबसे पहले तो नमस्कार, कैसी हैं आप? अच्छी हूं. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे मेरे अपने हैं. तो उनको क्यों बता रहे हो? इन्होंने गाने में कहा था कि तेरा यहाँ कोई नहीं. इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, सारे अपने इस बैंड को छोड़ के ये इनके हैं. वैसे आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो मैरी क्रिसमस वाला गाना. उनका कौन सा गाना है मैरी क्रिसमस वाला? मैरी क्रिसमस में तू नहीं शायद. ओए मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, ये मेरा मजाक था. Are you sure? आपको बताया मैं अक्सर ऐसे मजाक करता रहता हूँ. एक दिन तो मैंने अर्चना जी के सामने मजाक किया, ये बहुत हंसी, तब से हंसती जा रही है, अब तो मजाक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. वैसे पद्मिनी जी मैं ये पनीर लेके आया हूँ, इसे एक बार हाथ लगा देंगी? उससे क्या होगा? एक बार ये इसे हाथ लगा दें फिर ये पनीर से पनीर कोल्हापुरी बन जाएगा. ये था मेरा दूसरा मजाक. लेकिन मैं काफी देर से देख रहा हूँ कपू शर्मा, मैं मजाक पे मजाक मजाक पे मजाक किए जा रहा हूँ लेकिन आप हंस नहीं रहे हैं. क्यों नहीं हंस रहे हैं आप? सोनी के हाथों बिक गए आप, बलवंत राय के कुत्ते. इसे मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए साथ रखता हूँ. लेकिन इतना ज्यादा भी गुस्सा नहीं निकालता क्योंकि कभी कभी ये काटिया लेता है. ये क्या फालतू के काम कर रहे हैं आप फनी देओल जी? कोई काम फालतू नहीं होता और कोई भी काम छोटा नहीं होता. क्यों अर्चना जी? नहीं आपको इतना पता है तो आप कोई काम करती क्यों नहीं है?
किसी और की कुर्सी पे बैठ के किसी और के जोक्स पे हंसती रहती है, ये कैसी कमाई हुई? अच्छी कमाई। पनी देवल जी, आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। इतनी बड़ी सी तो तशरीफ रखी हुई है मैंने, इससे बड़ी तशरीफ कोई रख के दिखा दे, लाशें गिरा दूंगा लाशें। आप आराम से बात नहीं कर सकते? मैं अगर आराम से बात करूंगा तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि मैं सनी देओल हूं। तो आप सनी देओल हैं भी नहीं? यही तो नहीं यकीन किया ना आपने, इसीलिए मैं आराम से बात नहीं करता हूं। वैसे आप लोगों को सच बताऊं, बाहर एक ऑटो खड़ी है, मैं उस ऑटो से आया था अभी। पैसे देने हैं मुझे। आपके पास जरा 100 का छुट्टा होगा? नहीं। आंटी जी आपके पास होगा 100 का छुट्टा? आपके पास भी नहीं है? आप दोनों के पास 100 का छुट्टा नहीं है तो सोनी के इतने सारे पैसे जाते कहाँ हैं? हमें भी नहीं पता। और मैं तो जानना चाहता हूँ कि सोनी आपको पैसे देता ही क्यों है? क्यों करते क्या है आप? यहाँ बैठ के आप इंटरव्यू लेते हैं? इट इज सो इजी, मैं ले लूंगा इंटरव्यू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए मैं बैठ गया इंटरव्यू लेने के लिए। अब मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा पद्मिनी जी, मुझे बताइए क्या आपने अपने जीवन में इतनी सारी फिल्में की हैं, तो आज आपके घर में खाने में क्या बना है? ये क्या सवाल हुआ? एक स्त्री एक नारी के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को लेकर नारी के जीवन में कोलाहल मचा रहता है के घर में खाने में क्या, क्या बनेगा। सही बात। बच्चा कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, बच्चे का बाप कहता है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप का बाप कहता है मैं ये वो दोनों नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप की माँ कहती है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है, क्या खाएगा कोई? क्या बात है, एक नारी खाने में बनाए तो बनाए क्या? और जब तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। चड्डा कौन चड्डा? मैं चड्डा नहीं हूँ। चड्डा? वाह, कल तो आप ये भी कह देंगे कि अदालत ही नहीं है। आज तो नहीं है। वाह, आपने तो कल का भी इंतजार नहीं किया, आज ही कह दिया। कमाल कर रहे हैं आप। आपके लिए बड़ा आसान है, आप तो ये भी कह देंगे कि ये पाइनएप्पल ही नहीं है। तो नहीं है, ये सेब है। मैं यही देख रहा था, मैं तो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। वेरी गुड, आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं, कभी किसी की बातों में बताया कीजिए। देखिए मैं किसी की बातों में आ गया, उन्होंने मुझे क्या बना के भेज दिया यार। ये तो आप ऑडियंस के लिए करते हैं ना फिर? ये क्या कह रहे हैं आप? ऑडियंस कहे तो मैं नाचूं, ऑडियंस कहे तो मैं चुटकुला सुनाऊं, ऑडियंस कहे तो मैं हंसाऊं, ऐसा नहीं होगा। ये एक मजदूर का हाथ एक काटिया, ऑडियंस को पिघला के उनका कटआउट बना देता है। आप यहाँ करने के आए फनी देओल जी? मैं आपको बताता हूँ, काफी देर से बता रहा हूँ, आपके समझ में शायद आ नहीं रहा। फिर एक बार फिर बताता हूँ, मैं यहाँ पर पूनम जी और पद्मिनी जी आप दोनों को वो तीन मेडिकल वर्ड्स कहने आया हूँ। मेडिकल नहीं, मैजिकल वर्ड्स। मैं मेडिकल वर्ड्स ही कहना चाहता हूँ। वो तीन मेडिकल वर्ड्स है, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। वो तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, बस इसे मेंटेन करना है। लाइए, थैंक यू वेरी मच। चाट लीजिए, दांत साफ हो जाएंगे। चलिए मेरे जाने का वक्त आ गया, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि चलने से वजन कम होता है, बहुत जरूरी है। ये देखिए काफी पतले हो गए हैं ये। अच्छी बात है। वैसे आप बताइए, आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? आप सनी देओल से तो ज्यादा फनी जरूर है। अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो इन लोगों को जरा मैसेज जरूर कर दीजिएगा, वरना ये अगले टाइम बुलाते नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी। मैम आपके फैंस ने कुछ सवाल भेजे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारे कोस्टार्स के साथ काम किया, तो उनके बारे में कुछ सवाल हैं। ये पूछते हैं कि किस हीरो के साथ आप काम करने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहते थे और किसके साथ काम करने में मुश्किल आती थी? कंफर्टेबल तो मैं वैसे सभी के साथ थी, लेकिन सबसे ज्यादा फिल्में मैंने मिथुन के साथ की, तो उसके साथ ज्यादा ही कंफर्ट लेवल था। और मुश्किल मैं कहूंगी काका जी के साथ, राजेश खन्ना जी के, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, तो एक नर्वसनेस होती थी, तो उनके सामने कैसे काम करूं, right. तो वो मुश्किल होती थी। wow. और आप पूनम जी? ऋषि कपूर जी के साथ मैंने काफी फिल्में की और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, तो आई यूज्ड टू रियली लाइक वर्किंग विद हिम, बिकॉज़ वो मतलब एक अमेजिंग एक्टर थे, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एक्टर्स। सबसे ज्यादा आई थिंक एक्चुअली आई लर्न्ड फ्रॉम हिम, आई एंजॉयड वर्किंग विद हिम। और सबसे मुश्किल
मुश्किल भी सबसे ज्यादा ऋषि कपूर के साथ ही था, बिकॉज ही वॉज अ वेरी, मतलब वो काम के वक्त कुछ भी मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर थे वो, तो हम अभी हंस रहे हैं मजाक रोमांटिक सीन है रोना, तो ही इज टोटली स्विच्ड ऑफ और कुछ भी कर रहे हैं जोक मार रहे हैं, एंड से चिंटू जी आई हैव टू गेट माई मूड, अरे डोंट वरी रोमांटिक सीन कर रहे हैं पीछे से वो कुछ अनार्चना, डिड ही यूज टू डू दैट विद यू ऑल्सो, कुछ अजीब सी बातें बोल रहा होगा और उनका क्लोजअप आएगा तो वो फुल इंटेंस रोमांटिक दे रहे हो और मैं कंफ्यूज हूँ कि अभी ही जस्ट सेड समथिंग सो सिली एंड आई एम लाफिंग, तो कंफ्यूज भी बहुत करते थे और स्क्रैबल खेलते थे, चीटिंग भी बहुत करते थे, यू नो ही यूज्ड टू थिंक कि उनको सबसे दुनिया की अच्छी अंग्रेजी उनको आती है और नीतू हमेशा बोलती थी सब हीरोइंस को रुलाते हैं, तुम्हें रुलाया नहीं कभी, मैंने कहा रुलाया तो नहीं पर तंग बहुत किया है, सो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फन गाय टू वर्क विद येट मोस्ट डिफिकल्ट एक्टर. वाओ या रियली. और कौन हीरो सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता था? फ्लर्ट देवानंद. देव साहब के साथ फ्लर्ट करते, तभी तो जैकी सबके साथ फ्लर्ट करता. हाँ, तो आई वाज गोइंग टू से जैकी है सबसे ज्यादा फ्लर्ट करने वाला, बट आई डोंट नो सीरियस फ्लर्ट करता है कि वो सिर्फ ही वांट्स टू मेक एवरी वुमन फील वेरी स्पेशल एंड ब्यूटीफुल. आई थिंक फ्लर्ट से ज्यादा चार्मिंग. आई थिंक दैट्स व्हाट वाज वेरी चार्मिंग. क्या होता है, हम तो जानते हैं, हमें मालूम है कि वो चार्मिंग है, पर जो दूसरे लोग होते हैं वो एकदम उसको लगता है जैकी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, मेरी आंखों में ऐसे करके देखा, बस ही जस्ट डू दिस, यू नो ही डजंट इवन से एनीथिंग, ही जस्ट यूज़ हिज आईज. तो आई थिंक सबसे चार्मिंग फ्लर्ट या चार्मिंग मैन कहो जैकी. बिल्कुल यही वर्ड सुटेबल है, जैसे मैं भी चार्मिंग हूं क्योंकि शादी तो मैंने अपनी पत्नी से की ना, तो फ्लर्ट बाकी करते रहते थे पहले. कोशिश कहां कहां की ये बता. कोशिश नहीं की. कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, देखिए आप हो जाता था. I think we are feeling a little left out कि हमारे साथ जरा भी फ्लर्ट नहीं किया. मेरे मन में सब कुछ है. मुझे यकीन है सब कुछ है इसके दिल में. ठीक है. थोड़ा सा डर रहा है. कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा शरारती था जिसको प्रैंक करने की बड़ी आदत थी? मेरे उसमें कमल हसन. अच्छा, कमल हसन साहब. एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वो लंच अक्सर उनके घर से बहुत अच्छा आता था, तो मैं कुछ खाने लगी, मैं कुछ मीट में नॉन वेज था, मैं एक बाइट लिया, मैंने कहा कैसा है, मैंने कहा वेरी नाइस, क्या है, दिस इज एक्चुअली ना वो लिजर्ड होती है ना, वो जो छिपकली है वो है ये. मैंने कहा व्हाट, मुंह से मैंने ऐसे निकाला, कहता हाँ बहुत इसमें अच्छी ताकत वाली चीजें होती है, एंड ही कन्विंस्ड मी टिल द एंड कि वो छिपकली थी जो मैंने खाई थी. और ऐसी बहुत हरकतें करते थे, कभी उल्टा सीधा. ही वॉज अ मोस्ट प्रैंकस्टर एक्टर आई वर्क विद. व्हाट अबाउट यू? ऑल ऑफ देम. अच्छा, शूट में किस एक्टर की नजर दूसरों के खानों के डब्बे पे रहती थी? हाँ, कि कौन क्या लेके आया है, खा लो छीन लो. एक्चुअली वो 7 दिन की शूटिंग पर मेरे लिए बोनी के घर से आता था खाना. अच्छा, और उनके लिए मेरे घर से आता था. तो डब्बे एक्सचेंज होते, डब्बे एक्सचेंज होते थे. वाह, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी मैम वो 7 दिन. ब्यूटीफुल. सेट पे लेट आने की किसकी आदत थी? दो टॉप हीरोज थे, एक गोविंदा एक शत्रुघ्न सिन्हा. मैंने दोनों के साथ काफी फिल्में की और शत्रु जी का तो 5-6 फिल्में की, आधी लाइफ उनकी वेट करने में ही लगा दी. आई एम टेलिंग यू, 9 बजे की शिफ्ट होती थी, वो 4 बजे आते थे. यू नो थिंग्स लाइक दैट. ओह माय गॉड, गॉश, वाह, ही वाज लेजेंडरी. अच्छा, कौन सा एक्टर अपने मन से इम्प्रोवाइज करता था ज्यादा? मैंने एक ही फिल्म की गोविंदा के साथ, आई थिंक गोविंदा ही बहुत इंप्रोवाइज करते हैं. बहुत इंप्रोवाइज, बहुत टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड एक्चुअली, वेरी टैलेंटेड, मतलब कंप्लीट एक्टर. अच्छा, किसको नचाने में कोरियोग्राफर की हालत खराब होती थी कि भाई नहीं हो रहा है? आई एम श्योर पूनम के पास ज्यादा इसकी खबर होगी. नहीं, बट काका जी वाज वन ऑफ दोस ना, उनके अपना ही स्टाइल होता था, कुछ भी उनको स्टेप दिखा दो, जो भी वो स्टेप बताओ करते, फिर वो अपने स्टाइल में थे और वही लोगों को पसंद आता था. पसंद आता वही. एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट सनी देओल आल्सो. मैं अभी कीकू बोलने वाली थी. आई रिमेम्बर एक मैं फिल्म शूटिंग कर रही थी, नई नई हम लोगों ने साथ में, आई थिंक सोनी महवाल की नहीं थी उससे पहले, एक चादर मैली सी, और एक साउथ के डायरेक्टर थे भारती राजा, तो बहुत एक रोमांटिक, he was like he couldn't speak too much hindi so action se bolte the, so he comes, he put the hand on the girl's shoulder and then she turns back and this love moment,
तो सनी के मैंने पुट हिज हैंड व्हाट दिस नॉट भालू नो यू आर नॉट लाइक दिस जेंटल जेंटल शी इज अ गर्ल. अच्छा कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा हैंडसम लगता था? अभी एक का कैसे नाम ले भी, हमारे इंडिया की प्राइड एंड शाइनिंग हीरोज सारे एक से एक बढ़के थे. आई थिंक वीके यूज्ड टू लुक पर्सनली बहुत हैंडसम ना. इनके कौन, दिल कौन? की बात विनोद खन्ना. विनोद खन्ना, विनोद खन्ना साहब पर्सनली बहुत हैंडसम लगते थे. हां ही वाज जेन्युइनली. फीमेल फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा किसकी थी? काका जी ना. हम लोग ने जब काम शुरू किया तो वो इरा आई थिंक ऑलमोस्ट या इट वाज काइंड ऑफ फेडिंग ऑफ. वी केम मच लेटर ना. बट आई हैव सीन काका जी बिकॉज़ मैं आई वाज बेबी पद्मिनी ना, तो मैंने काफी देखा है उस जमाने में. बट काका जी के बाद देन हु किसकी ज्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग थी? मिस्टर बच्चन. अमिताभ बच्चन जैसी किसी की फैन फॉलोइंग नहीं थी. बट यंगस्टर्स में मैंने देखा था जब मैंने कुमार गौरव के साथ फिल्म की थी लव स्टोरी के बाद. इट वाज लाइक ऑल द गर्ल्स यूज्ड टू वांट यू आर शूटिंग विद हिम कैन वी कम प्लीज कैन वी कम. आई कुडंट बिलीव इट द काइंड ऑफ क्रेज दे हैड. क्रेज बहुत कुमार गौरव का बहुत लड़कियों का क्रेज था. और डायलॉग किसको याद नहीं रहते थे? मैं आपको बताऊं याद रहते किसको थे बहुत अच्छे से. शत्रुघ्न सिन्हा. माय गुडनेस वो तो दो पेज दे दो एक बार. हाँ पढ़ लेते और वो लेट आए जो भी कुछ और आपको लगता था आप रेडी हो लेकिन वो ऐसा लगता था ही विल टेक टाइम बट वो पांच मिनट में चार पेज का लंबा डायलॉग. चलो टेक टेक मतलब दो पेजेस का सीन है टेक. And he would not miss up any lines. Amazing memory. Amazing he was. इसी के साथ आपके फैंस के सवाल जो हैं वो खत्म होते हैं. बस कर बड़ू काटने का नहीं बैठ. Love you, love you. I love you. कपिल मेरा बच्चा है तू. अर्चना मेरा बच्चा है तू. ऑडियंस मेरा बच्चा है तू. अरे दादा ये सब कटआउट है. ऑडियंस कटआउट का बच्चा है तू. पद्मिनी जी मेरा कोल्हापुरी है तू. पूनम जी मेरा ढिल्लन है तू. बहुत मजा आया आज इतने सालों के बाद. सो अमेजिंग सुपर्ब. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. दिखाओ मसल जैसे. आप ही ने बोला था देखते रहते थे बात नहीं करते थे. माय बड़ो मेरे को लाइफ में सिर्फ दो चीज पसंद है. क्या? एक तीन बत्ती का शिवपुरी और फिल्मों में पद्मिनी कोल्हापुरी. वाह तो वो तो राइमिंग बन गई. अभी पूनम जी की राइमिंग नहीं बनी ना कुछ. इनका ओवन में रखा है जब बनेगा तो मैं लेकर आएगा. क्या अभी बैक टू बैक शूटिंग चल रहा है ना बनाने में टाइम लगता है. कपिल जी मेरा और पूनम जी का एक बात है. हाँ. जो किसी को भी नहीं मालूम. अच्छा कौन सी बात? बोला ना किसी को भी नहीं मालूम तो तेरे को जानने में इतना इंटरेस्ट है बड़ो. इधर झाड़ लगाएगा झाड़. हाँ. बात कर ले वैसे मैंने और पूनम जी ने वो फिल्म किया था वो अपना कौन सा वीडियो? तेरी मेहरबानी. मैं डायरेक्टर से बहुत नाराज हुआ था शूटिंग पे. क्यों? क्यों? अरे इतना खूबसूरत हीरोइन है मेरे को बोलता है कुत्ते से प्यार करूं. मेरे हाथ में गुलाब की जगह उन लोगों ने बिस्किट थमा दिया बोलते करो. खैर लेकिन पूनम जी ने इतना मस्त काम किया अपने इतना हिटेड फिल्म. बंगला बनाया गाड़ी बनाया और मैं आज भी कुत्ते के साथ काम कर रहा हूँ. कौन सा कुत्ता? कृष्णा. एक नंबर का कुत्ता है. चंद करोड़ों रुपए के लिए कहीं भी जग्गू हंसाई कर देता है. वैसे कपो जी पूनम जी के बारे में एक बात बताऊं. क्या? ओ माय गॉड बहुत ज्यादा बातें. लोगों के दिन आते हैं. हाँ. ये पहले आर्टिस्ट है जिनकी रात भी आती है पूनम की रात. वाह जको वाह वेरी नाइस. आप बोल बोल के थक गए होंगे पीछे जाके आराम कर लीजिए ना. येड़ा समझेगा तूने मेरे को. येड़ा समझे लाए. आज से दो साल पहले इसने यही बात एक आदमी को बोला था पीछे जाके रेस्ट करिए. दो साल से आज तक नहीं बुलाया उसको. आप मत जाइए जग्गू जी. और पता है पद्मिनी जी आज भी वो आदमी कुर्सी की याद में आपका गाना गाता रहता है. कौन सा? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद जो तेरा इंतजार करता हूँ. खैर कपिल जी जी 90s में मैं और पद्मिनी जी बोला
हम लोग 90s में एक फिल्म में साथ में काम किए थे. फिर क्या, वो पिक्चर कंप्लीट हुआ. और पिक्चर कंप्लीट होके थिएटर में लग गए. ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब इतनी बड़ी पिक्चर बन के रिलीज हो गई, तेरे को बात की पड़ी है? बात क्यों नहीं बनी, बात क्यों नहीं बनी, बात कर रहे लाए. खैर, इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. बड़ो ये कमाल है, बहुत कमाल का. सोनी टीवी को बहुत माल कमा के देता है. अच्छा, कटविट लेता है कि नहीं सोनी टीवी से? अरे बहुत पैसा छाप रहे ले, मैंने देखा है. स्पॉन्सर विंसर एडविड पे मेरा बहुत नजर है. हम तो इधर 2 मिनट में नूडल बनाते हैं, 2 मिनट में करोड़ों बना लेते हैं लोग. कमाल है. जग्गू दादा एक बात बताओ. बोलिए. आपने तो दोनों के साथ काम किया है, पूनम जी के साथ, पद्मिनी जी के साथ. सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में आया? दोनों के साथ आए. अभी क्या दोनों साथ में आए ना, अभी बेचारा क्या बोलेगा. थोड़ा डिप्लोमेटिक बन रहा हूँ मैं. और ये डिप्लोमेसी मैं उस कुत्ते से ही सीखा है. तेरी मेहरबानी वाले कुत्ते के से? नहीं, कृष्णा से. एक नंबर का कुत्ता है वो. जिस चैनल पे अच्छा शो बन रहा होता है उधर जाके बोलता आपका बच्चा हूँ मैं और साइन कर लेता है. सवाल है बड़ो. खैर, लेकिन हमारे 80s और 90s के हीरोइन लोग के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. बहुत कमाल है. मैं बोलूं, इन लोग का ध्यान हमेशा स्टोरी पे ही रहता था. वो तो दादा आज भी होता है. आजकल स्टोरी पे नहीं, इंस्टा स्टोरी पे ज्यादा ध्यान रहता है लोगों का. ये तो मैम इतना डालते हैं इंस्टा स्टोरी पे बड़ो कि इनका खुद का एक इंस्टा वुड बना सकते. इनका फोन उठा के देख, अभी तक का सब टेलीकास्ट भी हो गया होगा बड़ो. दादा मेरा आपसे एक सवाल है. वो सवाल बच्चन साहब को दो जाके. ओह गॉड. मैं उधर जाके जवाब देगा, फिर वो मेरे को पैसा देंगे. तू पैसा देगा क्या? लव यू डैड. फिर मिलते हैं. वाओ वाओ, इट वाज सुपर. और मैम, मैंने सुना है आप अभी नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए भी कुछ कर रहे हैं. जी हाँ. अभी हाल ही में हमने एक लेबल शुरू किया है, धमाका रिकॉर्ड्स. तो काफी धमाका हुआ, हमने इसको अनाउंस किया है. सॉफ्ट लॉन्च आशा जी के प्रोग्राम पे किया है. अच्छा जी. तो इसमें हम ना कि सिर्फ अकम्पलिश्ड सिंगर्स को मतलब ये उनसे गवाएंगे, बल्कि न्यू कमर्स से भी गाने गवाएंगे. और सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, बल्कि एक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, जितना भी न्यू टैलेंट है. एक मिनट, अभी फंस गए आप बोल के. देखिए, ऐसा है कि आशा जी से तो मैं गवाने ही वाली हूँ, वो तो है ही, वो मना तो कर ही नहीं सकती जी. पर आप भी मना नहीं कर सकते. मैम बहुत बहुत धन्यवाद. ये हमारे यहाँ का सबसे महंगा प्रूफ आपको एज ए गिफ्ट. मैम थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. तो देखिए, आपको धमाका रिकॉर्ड्स के लिए गाना ही पड़ेगा. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. एक बार जोरदार तालियां पद्मिनी जी के लिए और पूनम जी के लिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम. पूनम जी, पद्मिनी जी, बहुत मजा आप सबसे बातें करके. और बस ऐसे आते रहा करिएगा. बस बहुत मजा आया. थैंक यू. गुड टू सी यू. और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए. गुड नाइट. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.